जी तो मीरा के कपड़े छाट रही, इसका मतलब कुछ ही देर में वो ये कपड़े रखने गोपी के कमरे में तो जरूर आएंगी। ये सही मौका है। गोपी, गोपी ये देख, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। तेरे लिए साड़ी है। मेरे लिए? अरे वो मैं मार्केट गई थी तो मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, इसलिए सोचा कि ये साड़ी तेरे लिए ले लूं, लेकिन तुझे देना ही भूल गई थी। चल अब ये साड़ी जल्दी मुझे पहन के दिखा। राशि बहन, ये साड़ी मैं बाद में पहन लूंगी, मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। गोपी नहीं, तू ये साड़ी अभी लेगी और अभी पहनेगी। चल जा और पहन के दिखा। देख, इस साड़ी में तुझे देखने के लिए मुझसे और इंतजार नहीं होगा। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि अगर हम अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। चल पहन। ठीक है। सॉरी मीरा, ओहो मीरा ने सुसु कर दी, कोई बात नहीं, मासी नाती बन जाती। क्या हुआ राशि? कुछ नहीं काकी जी, वो मीरा ने सुसु कर दी। गोपी वो कहाँ है? वो गोपी तो बाथरूम में। राशि बहन कैसी लग रही हूँ? ओह, तो तुम नई साड़ी पहनने में मग्न हो। यहाँ तुम्हारी बेटी ने बिस्तर गीला कर दिया है कैम? नहीं माँ जी। गोपी वो तुम्हें हो क्या गया है? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी और इससे ये बात स्पष्ट होती है कि तुम्हारे ऊपर किसी और की संगत का असर हो रहा है। नहीं माँ जी। गोपी वो मैंने हमेशा से तुम्हें एक जिम्मेदार और उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में देखा है, खास करके अपने बच्चे के पालन पोषण में। अने हाँ, ये नई साड़ी तो तुमने पहनकर देख ली, तो अब रसोड़े का बचा हुआ काम निपटा लो। समझी गया गोपी वो? सही टाइम पे आए हैं जीजू, ये तो एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई। गोपी बोल, मैंने मीरा की नापी बदल ली। धन्यवाद राशि। वैसे तेरी साड़ी बहुत अच्छी लग रही। अच्छा हुआ जीजू आप सही टाइम पे आ गए, अब शायद गोपी का मूड ठीक हो जाएगा।
देखो चुप हो जाओ। मैं जानता हूं मोहम्मद तुमसे नाराज है, लेकिन उन्हें थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। गोपी तुम्हें तो बुखार है? नहीं जी, बस हल्की सी हरारत है। दवाई ली? मुझे पकड़ो, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। चलो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। डॉक्टर दोषी आप जी, अहम ने फोन किया था इसलिए। डॉक्टर आप आगे। अहम आई गोपी रूम में। गोपी वो बीमार है? मिस्टर मोदी घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस वायरल फीवर है। ये प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है, आप ले लीजिएगा, 4 दिन तक कंटिन्यू रखिएगा। फिलहाल मैं ये गोली दे रही हूं, आप इसे दे दीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा अब मैं चलती हूं। डॉक्टर दोषी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी दवाई खा। गोपी वो तुम्हें बुखार है, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे बताई होती तो मैं घर पर थी, मैं तुरंत डॉक्टर को बुला लेती। तुम्हें बुखार है ये बात तुम अहम को कह सकती हो, मुझसे नहीं। वो माँ जी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, और गोपी ने मुझे कुछ नहीं बताया, वो तो बस मैं। जाने दो अहम, सच कहूं तो मुझे इन दिनों महसूस हो रहा है कि गोपी वह को मुझे कुछ भी बताने में सहज अनुभव नहीं हो रहा है। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। यही सच है। तीर एकदम निशाने पर बैठा है।